सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रेशनल नंबर्स मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। हाँ, आज से हम मैथ्स शुरू कर रहे हैं। तो ये मैथ्स हमें हमसे ही क्यों पढ़नी चाहिए आपको, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ईजी वे में मैं समझाऊँ, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ, बहुत ईजीली सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, जितने आपके एनसीईआरटी में हैं, सारे डिटेल टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के आपके 3 लेक्चर बनेंगे। एक पहला बनेगा इंट्रोडक्शन वीडियो, मैं इसमें पूरे थ्योरी बता दूंगा पूरे चैप्टर की, किसमें है, कितनी है, क्या है ये। अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपको एग्जांपल्स आप कर लोगे, सारे क्वेश्चंस भी कर लोगे। फिर मैं बताऊंगा आपको एक्सरसाइज 1.1 की एक वीडियो बनेगी और दूसरी एक्सरसाइज की एक और वीडियो बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, थ्योरी पहले देख लेते हैं, पूरी थ्योरी इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो रेशनल नंबर्स, इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? इसी में 0 ऐड कर दो, ठीक। अब इंटीजर क्या होता है? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3 ऐसे, ठीक है। मतलब उसमें माइनस भी होता है। अब आपको पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब कि क्या हो गया? अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ़ वी कैन राइट द नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू फॉर्म में अगर हम उसे लिख सके, पी और क्यू एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर है, कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस कुछ भी, लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। बस पी ज़ीरो हो सकता है लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यू अगर ज़ीरो ही हो जाएगा, मान लो अगर यहाँ पे कोई एक्स है और ये ज़ीरो, ये तो नॉट डिफेंड हो गया। लेकिन अगर ये ज़ीरो अपॉन 3 है तो ये क्या आएगा? ज़ीरो कहलाएगा। 0/1 है तो क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। तो 0 एक रेशनल नंबर है, ये याद रखना। 0 रेशनल नंबर है, पी 0 हो सकता है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इसके 2/3, 5/2, माइनस भी हो सकता है, -2/9। अब आप बोलोगे भैया ये 1 और 3 कैसे? 1 और 3 ऐसे क्योंकि इसमें पी 1 है और क्यू क्या है? 1 है। इसमें पी 3 है, क्यू क्या है? 1 है। हम ये लिखते नहीं हैं, लेकिन इसमें हम क्या मानते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन फाइंड काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ठीक। जैसे कि हम 1, आपको बोल दिया जाए कि 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर्स निकालो, मतलब 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं वो निकालो, तो आप तो कितने भी निकाल सकते हो। वैसे ही आप एक 2 रेशनल नंबर के बीच, मतलब 1/1 और 2/1 के बीच में कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो, जितना छोटा करते जाओ, जितनी डीपली देखते जाओ। और -x/y इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ x/y एंड वाइस वर्सा। मतलब एक ये टर्म है, ये पढ़ो, इस पे क्वेश्चंस हैं। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स किसे कहेंगे? मान लो 2/3 दिया हुआ है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2/3। बस अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 2/8 का -2/8, -5/9 का 5/9, माइनस था तो प्लस कर दिया। अगर मान लो -2/-3, अब इसका क्या होगा एडिटिव इन्वर्स? इसका होगा -2/3। अब बोलेगा भैया ये कैसे? क्योंकि ये माइनस कट गया, अब ये हो गया पॉजिटिव, अभी ये पॉजिटिव 2/3 हो गया, अब इसका एडिटिव इन्वर्स हमने क्या पढ़ा था? -2/3, ठीक है। चलो अब मान लो वाई, अब दिया हुआ है, अब एक टर्म होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे एडिटिव इन्वर्स वैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसका हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ये सुना होगा वैसे आपने, मान लो कोई टर्म है x/y, इसका बोला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या तो रेसिप्रोकल, दोनों एक ही टर्म है, ये निकालो तो इसका क्या होगा? y/x। इसमें साइन जो रहेगा, साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। जैसे बोला -13 का निकालो, -13 में 1 होता है अपॉन में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/-13। या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? 1/-13। मतलब ऐसा भी बोल सकते हो -1/13, क्योंकि ये तो माइनस, माइनस को हमेशा अगर डाउट होता है तो -1 मान लिया करो, ठीक है। और जैसे ये -13/19 है, तो ये इसका साइन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये उल्टे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 19/-13। 1/5, 1/5 का क्या हो गया? 5/1 या फिर सिर्फ 5। अब अगला आता है रेशनल नंबर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स अलग चीज़ है, एडिटिव आइडेंटिटी अलग चीज़ है। इसका ये मतलब है, फॉर ऑल रेशनल नंबर बिकॉज अ नंबर डज नॉट चेंज व्हेन 0 इज़ एडेड टू इट। मतलब अगर आप 3/2 में 0 ऐड करोगे तो कुछ फ़र्क आएगा आंसर में?
नहीं आएगा ना। तो किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं आता, तो इस टर्म को हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी याद करना, एडिटिव इन्वर्स अलग चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज कर देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो कहलाती है, जीरो जो कि ऐड करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती। अब एक टर्म होती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, थोड़ा अंदाज़ा लगाओ क्या हो सकता है। मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो वो क्या होगा, वन। हाँ, वन को 3/2 से 1 मल्टीप्लाई करो, कुछ भी थोड़ी होता है, वो तो 3/2 ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही रेशनल नंबर 1 इज़ अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर, बिकॉज ऑन मल्टीप्लाइंग अ रेशनल नंबर विद इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फिर अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कुल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम सब पे आजमाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका हो गया डिवीज़न। ठीक है, तो फर्स्ट आती है क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 kg शुगर मिलाओ प्लस 5 kg और शुगर मिलाओ, तो आपके क्या जवाब आएगा, टोटल कितना शुगर हुआ। अब आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि 10 kg सॉल्ट हो गया या 10 लीटर ऑयल हो गया, आप ये बोलोगे ना कि 10 kg शुगर ही रहा। वैसे ही इसका मानना, क्लोज़र प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो एक रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब मान लो एक a/b प्लस c/d किया आपने, तो मान लो 3/5 प्लस 2/6 एग्ज़ाम्पल लो आप। अब इसका एलसीएम निकालो 30, ये आ गया 18 + 10, ये कैलकुलेशन कर लेना बहुत ईजी है, कर लोगे तो आंसर आया 28/30। ये खुद एक रेशनल नंबर है, मतलब कि अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो एक रेशनल नंबर आता है। सब्ट्रैक्शन के केस में अगर 2/5 - 3/4 करोगे तो इनका एलसीएम आएगा 20, ये आएगा 8 - 15, तो ये आ गया आपका -7/20। माइनस भी रेशनल नंबर होते हैं, तो ये माइनस भी रेशनल नंबर। मतलब अगर आप 5 kg शुगर में से 2 kg शुगर कम कर लेते हो तो 3 kg शुगर ही तो बचेगा, शुगर ही बचेगा ना। वैसे ही अगर आप रेशनल नंबर से रेशनल नंबर घटाते हो तो एक रेशनल नंबर ही बचेगा। मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक रेशनल नंबर बचेगा। 2/3 × 5/4, 4 × 12, 5 × 10, रेशनल नंबर। ठीक है, डिवीज़न मतलब -3/5 / 2/3। अब इसमें एक कंडीशन है, सुनो, -3/5 / 2/3। अब इसमें क्या हुआ, आप बोलोगे भैया ये तो ठीक है, डिवाइड करा -9/10 आ गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो c/d होता है आपका, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप a/b मतलब मान लो -3/5 / 0 कर दोगे तो ये तो p/q, मान लो ये q, ये पूरा p है और ये पूरा q है, तो q तो फिर ज़ीरो हो गया, मतलब कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए c/d ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको आया क्लोज़र प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने को तो आप इतना लिखना, लेकिन ये भी मेंशन कर देना कि c/d ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब मान लो मैंने बोला आपको 5 kg शुगर लो और 3 kg शुगर लो, दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 8 kg शुगर। लेकिन आपके बार मैंने बोला आप 3 kg शुगर लो और 5 kg शुगर लो, उनको ऐड कर दो, कितना हुआ 8 kg शुगर। बोलोगे भैया आप तो पागल पागल जैसी बात कर रहे हो, क्या होगा, यही तो होगा, चाहे इधर से इधर कर लो, इधर से इधर कर लो। हाँ, एडिशन में यही होता है, a + b = b + a। मतलब -3/4 + 5/11 करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 44, तो ये कितना आ गया, ऐड करोगे तो -13/44। लेकिन अगर 5/11 -3/4, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा -13/44। तो दोनों का आंसर सेम है, तो कम्यूटेटिव होल्ड अंडर एडिशन। ठीक है, फिर अगर आपका सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन में मैं बोलूँ मान लो आप 5 में से 2 घटा दो, 2 माइनस कर दो, कितना आया आंसर 3। अब मैं बोलूँगा 2 में से 5 हटा तो कितना आया आंसर -3, मतलब ये इक्वल नहीं है। मतलब सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता। अब ये सेम चीज़ रेशनल नंबर में कर लो, इसी को 1 कर दो, हो गया रेशनल नंबर, है ना, हो गया रेशनल नंबर। वैसे एग्जाम्पल 2/5 - 3/5 -1/5, 3/5 - 2/5 1/5, -1 1, फर्क आया ना, हैंस नॉट कम्यूटेटिव। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में 5 × 2 करो 10, 2 × 5 करो 10,
मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। माइनस 3/4 इंटू 5/6 माइनस 15/24, ठीक है भैया। 5/6 इंटू माइनस 3/4 फाइव इंटू माइनस 3 माइनस 15 6 हो जाए 24, मतलब कम्यूटेटिव होल्ड्स। अब डिवीजन में, अब 5 बाय 10 करो क्या आंसर 1/2। अब 10/5 करो क्या आंसर 2/1। ये तो 1/2 और 2 हो गया आंसर, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो क्या हुआ कम्यूटेटिव इसके लिए भी होल्ड नहीं करेगा। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता, याद रखना ये बात। वैसे आप खुद भी ट्राई करोगे आपको समझ आ जाएगा कैसे होल्ड करेगा, ये तो बचपन में भी सीखा होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब जो ये तीन नंबर थे, आप पहले इन दोनों को ऐड करो फिर इसको ऐड करो, या फिर इन दोनों को ऐड करो इसको ऐड करो, बात तो बराबर है। मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव जैसे ही तो है ना। पहले आप मान लो आपने लिया 2 kg शुगर प्लस 5 kg प्लस 3 kg, तो आपने इन दोनों को ऐड किया 8, फिर ये ऐड किया 2, कितना हुआ 10। अब आपने लिया 2 प्लस 5 प्लस 3, अब आपने इन दोनों को ऐड किया आया 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10, बात बराबर है, एसोसिएटिव है। मतलब एडिशन में एसोसिएटिव होल्ड होती है। मतलब ऐसे 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2, अब इन दोनों को ऐड किया 7/2, 7/2 प्लस 1/2 8/2। ऐसे ही मान लो इन दोनों को पहले साथ ले लो, 1/2 प्लस 3/2 4/2 और प्लस 4/2 8/2, आंसर सेम, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में चीज़ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कम्यूटेटिव वैल्यू जैसे में। मतलब अगर आप इन दोनों को माइनस कर दो पहले, क्या हुआ 3/2 माइनस 2/2 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0। अब इन दोनों को ले लो, 1/2 माइनस 3/2 कितना हुआ माइनस 2/2, माइनस 2/2 माइनस 2/2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन सेम, तो माइनस 4/2, ठीक है। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में। अब एडिशन में हो गई तो मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ एडिशन में हो रही है वो मल्टीप्लिकेशन में भी हो रही है होगी। अब जैसे ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करो फिर इससे करो, या फिर ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करो फिर इससे करो, बात बराबर है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया, देख लेना। अब डिवीज़न में ये चीज़ नहीं होगी, याद करने का तरीका सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रही तो डिवीज़न में कैसे होगी। और अगर आपको याद नहीं हो रहा तो एक बार लिख के देख लेना, अगर हो रही है तो ठीक है, वैसे नहीं होगी एग्ज़ाम में। कैसे, मान लो माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2/5 किया तो आंसर आ गया माइनस 5/4। अब इसको फिर से 2/3 डिवाइड बाई माइनस 5/4 किया, क्या आया माइनस 8/-15, मतलब माइनस 8/15। अब मान लो हमने पहले इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आया आपका कुछ, फिर उसको डिवाइड किया 2/5 से, फिर आंसर आया कुछ और, मतलब यहाँ आंसर आया -20/6, यहाँ आ रहा है 8/-15, अलग है। मतलब कि एसोसिएटिविटी यहाँ भी होल्ड नहीं होती। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ना है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं। क्यों ऐसा होता है, इसमें खुद ही हो जाएगा। मान लो आपको दिया 2 नंबर ब्रैकेट में और 1 नंबर बाहर, अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करके तोड़ के कैसे सॉल्व करोगे आप। मान लो ऐसे दिया रहता है 3 × 2+5, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो ये 2+5 कर लो, क्या होगा 5+2 7 × 3, ठीक है। मान लो अगर ऐसा नहीं है, खोल के करना है, तो क्या करोगे 3 × 2 6 प्लस 3 × 5 = 15, तो ये अब आ गया आपका 21, ठीक है। अगर ऐसे करते 5 × 2 = 10 10 × 3 = 5 × 2 = 7 और 7 × 3 = 21, ठीक है, गलती हो जाती है, ठीक है, बोलने में, लेकिन आप समझ जाना यही होगा। तो आपको अब क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया रहेगा। अब आपको इसको रिवर्स लगा के, मतलब a/b कॉमन, जहाँ भी कुछ कॉमन दिख गया उसको कॉमन लो, इन दोनों को ऐड कर दो। लेकिन ये चीज़ सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होगी, कैसे होगी, मान लो ये a b - c है, तो आप इसको कैसे करोगे (a·b − c), ठीक है ना। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो होती है। अब आ गया आपका नेक्स्ट टर्म, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव 0 के राइट साइड होता है, जाहिर सी बात है पता है, नेगेटिव 0 के लेफ्ट साइड होता है पता है। अब मान लो आपको नंबर दे दिया -2/3, अब बोला इसको नंबर लाइन पे शो करके बताओ, तो आपको 2 स्टेप लेने हैं। पहला स्टेप, अब आपको क्या लग रहा है -2/3, 3 1 जे कितना होता है 1, 3 1 जे 3, ठीक है।
और 3 0 0 जाहिर सी बात है। तो हमें ये पता चल गया कि 2 तो कहीं नहीं आ रहा, लेकिन ये पता चल गया कि जब हम इसको 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना पता चल गया ये 0 और 1 के बीच आ रहा है, क्योंकि 0 ठीक है पॉइंट लगा इधर 2, इधर 6 लगा, इधर आ गया 18, इधर 2, अब ये 6 6 6 6 होता रहेगा। अब बस एक डेसिमल तक निकाल लो और वैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। तो 0.6 आ गया, मतलब ये पता चल गया कि हमें 0 और 1 के बीच में निकालना है, ठीक है। और ये माइनस था, माइनस था तो इसका क्या मतलब बना कि 0 और -1 के बीच में निकालना है। अब दिया हुआ है -2/3। अब डिनोमिनेटर में जितना होगा ना, जितने नंबर डिनोमिनेटर में होंगे उतने पार्ट में इनको डिवाइड कर दो। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 लाइन खींचनी पड़ेगी, तो हमने इक्वली 2 लाइन खींच ली। चलो अब यह आया था हमारा आंसर 0.6। तो हम अब यहाँ से चालू करेंगे -1 से। अब आपको ये सोचना है कि -1 कैसे आएगा, कैसे आएगा -1। डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा हमेशा, डिनोमिनेटर में 3 है। अब इसमें -1 लाने के लिए मैं क्या करूँ, और यहाँ माइनस भी है ये क्या ले सके क्योंकि -1 है, तो अब क्या करना है, 3/3 क्या होता है -1। हाँ तो आप यहाँ कर दो -3/3, ये -1 हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया -2/3, नेक्स्ट स्टेप आ गया -1/3, और नेक्स्ट आ गया 0/3 जो कि 0। ये आपकी होगी ट्रिक, आपको निकालना था -2/3, ठीक है। और अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लो एक और एग्जांपल, 5/2, 5/2 ठीक। 5/2 क्या हुआ, किसके बीच आएगा, 2 4 2 2 4, 2 3 6, मतलब ना तो ये 4 ना 6 6, 4 और 6 के बीच में है, तो ये 2 2 जाके भी नहीं होगा, 2 4 जाके भी नहीं होगा, मतलब ये किसी बीच में आएगा 2 और 3 के। तो कैसे करें हम, मान लो इसको आपको डिवाइड कर लो 5/2, तो 2 2 2 2 4 4 1, पॉइंट लगाओ 0 और 5, 2.5। मैंने क्या बोला था, 2 2 4, 2 3 6, 2 और 3 के बीच में आया, हाँ 2.5 आया। तो अब यहाँ बनाओगे 2, यहाँ बनाओगे 3, डिनोमिनेटर 2 ही रखना है, और इसके डिनोमिनेटर में है 2, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब 1 लाइन खींचनी पड़ेगी। 1 लाइन खींचा, 2 और 3 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर हर जगह बांट दो ऐसे बाई टू करके। अब हमें क्या पता, अगर इस नंबर को 2 बनाना है, 2 के इक्वल करना है, तो इसके ऊपर न्यूमरेटर में क्या डालना पड़ेगा। अगर 4/2 करें तो 2 हो जाएगा, या 6/2 करें तो 2 हो जाएगा। 6/2 क्या होता है, 3 होता है, नहीं 5/2 क्या होता है, 2.5 अभी देखा। 3/2 क्या होता है, नहीं वो तो कुछ और होता है। 4/2 क्या होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ डाल देंगे 4, 4/2 2 के इक्वल हो गया, ठीक। नेक्स्ट आप कर दो यहाँ 5/2, यहाँ 6/2, आपको निकालना क्या था, 5/2 निकल गया, मार्क कर दो, बात खत्म। मतलब पहले आपको डिवाइड करना है, 2 बीच के नंबर लाने, फिर आपको देखना है उसमें, फिर आपको -1 मार्क कर दो, फिर -1 जैसे 1 मार्क कर दो या 2 मार्क कर दो, कोई एक साइड पकड़ लो जिससे वो आ सकता है। डिनोमिनेटर सबके सेम रहेंगे, उतने पार्ट में बांटना है, और अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 करके फिर ऊपर से नंबर 1 आ जाए, फिर उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज कर दो जैसे आपको जरूरत लगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं समझ आ रहा है तो। फिर आता है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो हमने बोला था कि वी कैन फाइंड मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन अ 2 रेशनल नंबर, मान लो आपको बोल दिया 2 और 7 के बीच में नंबर बताओ नेचुरल नंबर, तो आप लिख दोगे 3 4 5 6, ठीक है। वैसे ही बोला अगर -1/2 और 3/7 के बीच में बताओ, तो अब तुम्हें क्या करना है, वैसे ये ट्रिक काम आ जाएगी 2 4 नंबरों के लिए, लेकिन आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। तो आप क्या करो, इन दोनों के कॉमन फैक्टर ढूंढो, कॉमन फैक्टर ढूंढो 2 का और 7 का कॉमन फैक्टर, मतलब एलसीएम ढूंढ लो। चलो तो 2 और 7 का क्या है, एक तो 14 है, ठीक 14 पे ट्राई करते हैं। तो हमने इसको 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 7 से करना पड़ेगा तभी तो इक्वल होगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये कर दिया तो आ गया -7/14 और 6/14, इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर -1/2 और 3/7 खुद का खुद आ जाएगा। अब लेकिन इसके बीच आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ये -7/14 था, आपको इसके बीच रेशनल नंबर निकालना है, तो आप निकाल दोगे -6/14, -5/14, -4/14, -3/14,
माइनस टू बाई फोर्टीन माइनस वन बाई फोर्टीन जीरो, जीरो भी रेशनल नंबर है, वन बाई फोर्टीन टू बाई फोर्टीन, ठीक है। तो आपने तो कितने सारे निकाल दिए, तो वैसे ही जितने ज़रूरत होगी हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर से फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई, डिनोमीटर सेम, डिनोमीटर सेम, बीच में नंबर निकाल लिए। मान लो हमें और चाहिए, मान लो हमें इतने नहीं और ज़्यादा नंबर चाहिए होते, तो हम क्या करते, 28, 28 भी तो है, 28 भी है ना कॉमन फैक्टर, 7 4 जो 28, और इसका आ जाएगा आपका 14, हाँ 14, इसको ऊपर नीचे 14 से मल्टीप्लाई करते, इसको 4 से करते, तो ये क्या हो जाता माइनस 14 अपॉन 28, और ये हो जाता आपका 12 अपॉन 28। अब देखो और नंबर आ गया, माइनस 13 बाई 28, माइनस 12 बाई 28, माइनस 11 बाई 28, और ज़्यादा नंबर निकल गए, मतलब आप जितने चाहो उतने निकाल सकते हो, थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नाउ इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चंस, लेकिन ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, बहुत लंबी वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया, सारी थ्योरी कर ली, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लेना, वरना मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर करवा दूंगा, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। और ये अगर आपको, मुझे लग रहा है इसमें डाउट होगा, लेकिन ये हम मैं क्लियर करवा दूंगा बहुत अच्छे से। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ।